भाई जी क्या हाल चाल है? हेलो क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई जी। 30 रुपए का? 30 रुपए का क्यों भाई? इस तो पूछो ये तेरा बैंक। हाँ भाई 30 रुपए का क्यों? महंगे हो गया इसलिए तेल डलवा रहे हैं। तेल बोल गया एकदम। अच्छा तो इतने में गेड़ी लग जाएगी अपनी? वो होता है, सारा टाउन घूम लेंगे। कोई बात नहीं है, जितना पैसा जाएगा कोई बात नहीं है। फौजी आदमी हूँ, फौज के लिए पैसा खर्चा हो रहा है। मोदी जी खर्चा कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर 150 हो जाएगा तो भी विल परचेस। पर ये तो जी खून पी रहे, और कुछ नहीं, खून पी रहे। कारण क्या है? इससे ज़्यादा बड़े अच्छे मुद्दे हैं हमारे पास, जो कि सरकार हमारे लिए कर रही है, जिन पे काम जी। इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग अपना दिमाग खपा रहे हैं, इसका क्या मायने है? अब एक यहाँ पर जरा सा तेल ऊपर बढ़ गया घट गया तो हाय हो हल्ला कर देते हैं। ये गुटखा खैनी दारू सब पे पैसा रज के खर्च करना है उन्होंने दिए, लेकिन पेट्रोल डीजल की बात आते ही ना दी, पॉलिटिक्स बीच में आ जाएगी दिए। पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, ऐसे में हम पहुंचे हैं जनता के बीच में उनके रिव्यू जानने के लिए, आखिर वो क्या कहते हैं। यमुनानगर के अंदर 91 रुपये लीटर के हिसाब से जो है आज की डेट में पेट्रोल बिक रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं मौजूद इस वक्त पेट्रोल पंप पे, और लोग अक्सर जो है पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, आज सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते ही नई गाड़ी दिखाई दी और शायद ये लोग टैंक फुल करवा रहे हैं। तो चलिए इनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पर। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या लग रहा है? टंकी कितने में फुल हो रही है कि कम तेल डलवा रहे हो, क्या कहना चाहते हैं? सर ऐसा है कि टंकी या आप ये कहो कि अगर टैंक फुल करवा रहे हैं तो एक तो आज ही नई गाड़ी ली, इसलिए दूसरा इसका रीज़न ये है कि अब पेट्रोल के दाम जिस हिसाब से जा रहे हैं अब लग नहीं रहा कि डीजल या पेट्रोल के अंदर कोई वेरिएशन रह गया। ये पेट्रोल की गाड़ी है। तो आपने तो इतनी महंगी गाड़ी ले ली। सर अगर डीजल की लेंगे वो भी वही सेम रेट पड़ेगा। ओके। अब कोई वेरिएशन रहा नहीं ना पेट्रोल और डीजल में। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक कह दो जो सारी इकोनॉमी को आगे चल के भुगतना पड़ेगा। तो पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? सर ये पहली गाड़ी है। अच्छा पहली गाड़ी है, और इतना पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, लगता है कि आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा इतने बड़े दामों को? लगभग शतक लगा रहा है पेट्रोल। बिल्कुल सर, ये जो शतक लग रहा है आगे चल के ऐसा लगेगा कि नहीं ले पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे सर। सबके लिए एक जैसा है वो। आपको नई गाड़ी की शुभकामनाएं सर, थैंक यू सो मच। लेना ये बताओ पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कितने का तेल डलवाया? 100 का। 100 रुपये का? कितना आया? कितना आया? 1 लीटर कुछ। 1 लीटर कुछ। पहले के दाम में और अब में कुछ फर्क पड़ा? हाँ फर्क है जी, पहले मंदा था अब जा तेज है। अच्छा। हाँ पहले मतलब कुछ पैसे कम आता अब जा महंगा हो गया तेल। अच्छा तो इतने दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हो इसमें जी? मजदूरी तो बहुत कम है और अब महंगे हर चीज़ रेट हो रही, अब मजदूर आदमी तो दिक्कत आ ही रही इसके अंदर। अच्छा जी। चलिए देखिए युवा भाई हैं, इनसे भी जान लेते हैं आखिर कितने का पेट्रोल। भाई जी क्या हाल चाल है? हेलो क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई जी। 30 रुपये का? 30 रुपये का क्यों भाई? इस तो पूछो ये तेरा बैंक। हाँ भाई 30 रुपये का क्यों? महंगे हो गया इसलिए तेल डलवा रहे हैं। तेल बोल गया एकदम। अच्छा तो इतने में गेड़ी लग जाएगी अपनी? वो होता है, सारा टाउन घूम लेंगे। 30 का तेल में हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से बढ़ते हुए तेल को लेकर लोगों के क्या रिव्यूज हैं, और लोगों से जान लेते हैं। वहाँ पे अंकल हैं आंटी हैं, हम आपको सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं। भाई जी आपकी स्कूटर है पेट्रोल वाली, पहले के दामों में और अब के दामों में क्या फ़र्क लग रहा है? पहले 70 रुपये थे जी, 75 हुए, धीरे धीरे अब 100 रुपये है। और तो ये मजदूरी जो आप इस पे करते हो इसमें कुछ रेट आपने बढ़ा दिया कि नहीं? हमारा तो रेट वही है जी, 50-100 रुपये, 150 रुपये बस ज़्यादा। अच्छा वही मजदूरी है। पेट्रोल से चलती है आपकी स्कूटर? हाँ जी पेट्रोल से। कितना चाहेंगे? सेटिस्फाइड। कोई बात नहीं है, जितना पैसा जाएगा कोई बात नहीं है। फौजी आदमी हूँ, फौज के लिए पैसा खर्चा हो रहा है, मोदी जी खर्चा कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर 150 हो जाएगा तो भी विल परचेस। अरे वाह अंकल जी, ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं सर, सर इकोनॉमिक का ये क्या वो, आज तक सर किसने कोई रोने की आदत तो पड़ गई लोगों को, मुझे बता दो जना जी। राहुल गांधी जी का तेल था अच्छा सा लगता नहीं था, अब 100 का हो गया सर, कुछ नहीं हो रहा है। ये तो इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट, उस स्टेट की गवर्नमेंट है, वो कम करें ना। जैसे पंजाब के अंदर है, राजस्थान में कहीं भी है, पैसा कम करें अपने आप ही। डिस्टरीज का तो खर्चा तो वहीं पर है ना, क्योंकि मैंने भी एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ मैं कंपनी में। ओके। 15 साल मैंने आई वर्क विद लीकर इंडस्ट्री एट पंजाब। ओके। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अगर हम बोलते थे हमारा टीए बढ़ा दो, बोलते यार रोने की जरूरत तो नहीं यार, पेट्रोल बढ़ गया ना, पैसे बढ़ गए, हम आपके टीए बढ़ा देंगे छुट्टी। तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है? 150 का भी नथिंग सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी नो कि वो जो पैसा जो हो रहा है वो तो बिकॉज मैं आर्म फोर्सेज के से रिलेटेड मेरी फैमिली है, जितना पैसा आज स्ट्रॉन्ग आर्मी को मोदी जी ने किया आज तक पहले किसी ने नहीं किया। ये तो जी खून पी रहे, और कुछ नहीं। पहले और अब में कितना फर्क दिख रहा है आपको? पहले 50 था, अब 94 है।
फिर भी कुछ अब आप तेल कम पवा रहे हो या कोई फर्क नहीं आ रहा? ढाई हमने तो वही पवाना है, जितनी चल रही बाइक उतनी तो चलनी है, कम तो कर नहीं सकते। जी जितनी जरूरत है, रोज की 150-200 किलोमीटर चलती है हमारी, ये देख लो 250-300 का, अभी भी 250 का पवाया। परेशानियाँ तो बहुत है, परेशानी तो दिक्कत तो है ही है। क्या कहना चाहोगे? बस क्या होता है जिस दिन बोलो इलेक्शन होगा तब बताएंगे। हाँ, ये जीरो इम्पैक्ट है इसका। कारण क्या है? इससे ज़्यादा बड़े अच्छे मुद्दे हैं हमारे पास जो कि सरकार हमारे लिए कर रही है, जिन पे काम जी। इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग अपना दिमाग खपा रहे हैं जी। इसका क्या मायने है? आप एक बात देखिए, हर बंदा एक स्मार्टफोन लेके घूम रहा है, उसके ऊपर पैसे खर्चने के लिए दे आर रेडी। यहाँ पर जरा सा तेल ऊपर बढ़ गया घट गया तो हाय हो हल्ला कर देते हैं लिए। गुटखा खैनी दारू सब पे पैसा रज के खर्च करना है उन्होंने लिए, लेकिन पेट्रोल डीजल की बात आते ही ना दी पॉलिटिक्स बीच में आ जाएगी। मेरे हिसाब से ये कोई मुद्दा है ही नहीं है। कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है, मेंटल बैंक्रप्सी है, और कोई मुद्दा है ही नहीं उनके पास में। अब उनको वापस आना है तो क्या करें? कोई मुद्दा लेकर आएंगे, कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ ले आएंगे जिससे कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है। उनको पता है कि कोई भी चीज़ का रेट बढ़ गया है, बस उनको जाके लोगों को भड़काओ इस मामले में लेकर। इसमें है क्या चीज़ रखी हुई है? आपको कोई भी करप्शन का कोई केस सामने आया है जिसमें कि लोगों ने सरकार के ऊपर ये हो कि जी इन्होंने पैसे खा गए कुछ किया रही है? अगर इसके रेट बढ़ रहे हैं और इसमें से कुछ रेवेन्यू आ रहा है तो सरकार हमारे ऊपर ही तो खर्च कर रही है। सड़कें बन रही हैं आज की डेट में, आप देखो आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आने वाली है। इतना फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आफ्टर ऑल उसकी कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। हम लोग कब अपने देश के लिए सोचेंगे? हर बंदा कहता है मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलना है इसमें से। हमने देश के लिए क्या करना है? ज़ीरो, बस पेट्रोल डीजल पेट्रोल डीजल। इसका आप मंथली इम्पैक्ट देखिए, एक बंदा गाड़ी लेके चल रहा है महीने में कितना डीजल तेल फूंक लेगा ये? ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ, अगर हम प्राइस डिफरेंस को लेके चलेंगे 400-500 रुपये से ऊपर का इम्पैक्ट नहीं है इसके ऊपर में। बस उन्होंने मुद्दा बनाना है ये। आपको क्या लगता है क्या इंटेंशन हो सकती है ये प्राइस राइज के ऊपर? इंटेंशन की बात नहीं, देखो इन्होंने कुछ तो ग्लोबली लिंक कर रखा है ये कि अगर क्रूड बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा ये, वो एक इम्पैक्ट है ही है, अदरवाइज ये कोई मुद्दा है ही नहीं है, इस प्योर पॉलिटिक्स। पर एक बात आप सर मानेंगे, डीजल बढ़ते ही हर चीज़ में उछाल आ जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, हर चीज़ में उछाल आता है। तो आप जैसे आप बिजनेसमैन, आपकी फैक्ट्रीज होगी वहाँ भी डीजल की खपत होती होगी। मेरा इम्पैक्ट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन मुझे देश नज़र आता है पहले, मुझे ये चीज़ें बाद में नज़र में आती हैं। अगर ये थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन करने से, थोड़ा सा मेरी अपना इसमें कंट्रीब्यूशन करने से अगर मेरे देश की तरक्की होती है तो मुझे कोई भी चीज़ मंजूर है। पर सर आप तो मुझे अच्छे बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो स्कूटर में सिर्फ 50 का तेल डलवाता है उस पे क्या बीतती होगी? देखो क्या है, वो जो गरीब आदमी की बात कर रहे हो ना, रहे तो वो भी इसी देश में रहा है ना, वो भी तो इस देश की सुरक्षा, जो हमारी आर्मी ये सब काम कर रहे हैं वो उसकी भी उतनी सुरक्षा कर रहे हैं जितनी मेरे लिए कर रहे हैं, तो खर्चा तो हमने उनको भी देना है, तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों ना हो उसके अंदर में। वो अपने लेवल से कंट्रीब्यूट करेगा, मैं अपने लेवल से कंट्रीब्यूट करूँगा, ये सिर्फ सोच का फ़र्क है। देखिए अमीरों को कोई क्या फ़र्क पड़ना है, क्या फ़र्क पड़ना है? मेरे ट्रेड में मुझे मेरे हिसाब से फ़र्क पड़ता है, उसका उसके हिसाब से फ़र्क पड़ता है। मान लो मुझे 1,00,000 का फ़र्क पड़ता है, उसको 100 रुपये का फ़र्क पड़ता है, उसने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की, मैंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की, देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सब ये कह रहे हैं कि मुझे आलू सस्ता चाहिए, प्याज सस्ता चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए। देश के लिए क्या करोगे? ज़ीरो इम्पैक्ट। उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करना है। कांग्रेस ने कह दिया हाँ जी चलो जी झंडे लेके चल पड़ो जी। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही सर के साथ, जिन्होंने किस तरीके से बताया कि ये पेट्रोल से देश को फ़ायदा होने वाला है। अब आप बताइए कि देश को इससे फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? मेरे साथ मेरी साथी वसुंधरा है। वसुंधरा आपको क्या लगता है किस तरीके से, जैसे सज्जन ने अभी बताया कि पेट्रोल और डीजल से बढ़ते दामों से जनता को फ़ायदा होगा, आर्मी में इस तरीके से इसको फ़ायदा होगा, तो क्या लगता है सारा कुछ हमारे देने से होगा, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, हर किसी की हर मुद्दे पर अलग अलग सोच होती है। सर ने भी बिल्कुल सही बताया है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनने लगते हैं। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि हम देश के बारे में भी सोचें। अब इसका इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिकल वे में भी हम नहीं देख सकते हैं कि जैसा पॉलिटिक्स कह रही है कि पॉलिटिक्स ये मुद्दा उठा रही है, पॉलिटिक्स वो मुद्दा उठा रही है, तो हम उसी चीज़ को लेकर देखें कि पॉलिटिक्स ने क्या कर दिया है। लेकिन प्राइस राइज एक सिर्फ यही पॉइंट नहीं आता है कि प्राइस राइज सिर्फ गवर्नमेंट ही बढ़ा रही है, ग्लोबल मार्केट की वजह से भी प्राइस राइज होता है। जब ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइस राइज होते हैं तभी भी देश में पेट्रोल डीजल के प्राइस राइज होने लगते हैं। सर से पूछते हैं, सर
प्राइस राइज हो रहा है पेट्रोल का डीजल का, उस पर क्या फर्क नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे? नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, बस इतनी ही बात है। परेशानियां हो रही हैं उसकी वजह से? परेशानियां तो देखो सारी जनता को है, लेकिन एक बैलेंस लेना चाहिए। कोविड की वजह से सरकार पर बहुत प्रेशर है, ऐसा मेरी सोच है, बाकी लोगों से अलग हो सकती है। देश के फायदे के लिए हो रहा है, जितना टैक्स बढ़ेगा देश के फायदे होगा उससे। वो तो होता है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए कि बढ़े भी और लोगों के ऊपर असर भी ना आए। अगर ये दो चीज़ों के में बैलेंस रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज अभी हम सबको बर्दाश्त करना चाहिए। थैंक यू सो मच। देख सकते हैं आप, सभी का यही मानना है, आपसे भी हम यही अपील करेंगे कि सरकार का भी साथ दें। आपके अपने जो विचार हैं हम सबके साथ हैं, अपने विचार हम सब तक भी साझा करते रहिए, कमेंट में हमें बताते रहिए आपका क्या मानना है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया लोगों का क्या मानना है, कुछ लोगों की बहुत ही बेहद पॉजिटिव वॉइस है, बेहद पॉजिटिव बातें हैं कि हाँ हम देश के लिए इतना योगदान ज़रूर दे सकते हैं। वहीं कई लोग परेशान भी हैं, जिनको दिखता है कि जब हाथ से पैसा जाता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन वहीं हमें एक सर ने यह भी बताया कि जो अब विकास हो रहा है उस विकास के लिए भी सरकार को पैसा चाहिए, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि सरकार के पास पैसा भी हम आम जनता से ही आता है। आपने अपनी राय अपनी बातें पहुंचाते रहिए और देखते रहिए एचआरए कतर। मैं आपके साथ यमुनानगर से वसुंधरा कांबोज।